सबसे पहला, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट दी सेंटेंस। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन फॉर 2 months आफ्टर डेट इट्स ड्यू डेट विल बी। अब आफ्टर डेट क्या होता है, ये सब नोट्स भी भेजा है मैंने डिजिटल वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी एकदम इजीली। गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसीडरेशन। नोटिंग चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय द ड्रॉअर। मैंने 100 रुपए मांगा, उसने दिया, उसका प्रॉमिस पूरा हो गया, मेरे को मिल गया। अब मैं ये पैसा जब इसको दूंगा, फाइंड दी ऑड वन। नोटिंग डिसऑनर हमारे हाथ में, वो कंप्लीट दी सेंटेंसेस। कम ऑन। अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। बहुत सही बोला आपने। आप आंसर इन वन सेंटेंस। 6th, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी? स्टार। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? फॉर्मेट के लिए क्या रेफर करना है? अरे 3 फॉर्मेट्स इधर है, 3 इधर है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। निशाज एक्सेप्टेंस फॉर 16,850 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वर 125। फाइंड आउट द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय ड्रॉवर। बोलो भाई। स्टार्ट करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला क्या बोला है, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट दी सेंटेंस। चलो पहला, द पर्सन ऑन हुम अ बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड। बोलो किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है? जो ड्रॉ करता है वो। बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड। कागज का टुकड़ा तो ड्राफ्ट ना, तो बिल एक्सेप्ट होने से पहले तो कागज का टुकड़ा ही होता है, तो ड्राफ्ट। When the due date of bill drawn falls due on a public holiday, the payment must be made on। अगर ड्यू डेट बिल का पब्लिक हॉलीडे के दिन आया तो पैसा कभी मिलना चाहिए? अगले दिन। क्यों पहले? क्योंकि हमको पहले से ही पता है वो दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो सामने वाले ने पहले से तैयारी करके रखना चाहिए। हाँ। एक दिन पहले। गवर्नमेंट वही बोलता है, मालूम है ना छुट्टी है, एक दिन पहले तैयारी कर। अचानक से छुट्टी आ गया तो अगले दिन ही। क्यों? मैंने आज का तैयारी करके रखा था, अब आज छुट्टी आ गया, मैं पहले दिन कैसे पैसा दूं? तो फिर प्रीसीडिंग डे। नेक्स्ट, द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 months on 23rd November will be। ड्यू डेट फाइंड करना है। डन। 2 महीने का बिल है ना, कभी ड्रॉ किया बिल? 2 महीना। बोलो दिसंबर जनवरी। 23rd January प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। 23rd January प्लस 3, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे, तो कभी एक दिन पहला 25 जनवरी पर ईयर 2020। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ईयर वाला गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो 25 जनवरी 2020 किधर है भाई? ये आगे। नोटिंग चार्जेस आर बोर्न बाय। कौन झेलता है नोटिंग चार्जेस? सोचो सोचो, 1 मिनट का टाइम। पे कौन करता है नोटिंग चार्जेस? ड्रॉवर पे करता है, ड्रॉवर। अरे हमने बिल ड्रॉ किया था, हम ड्यू डेट के दिन गए, सामने वाले के पास दिया बिल, मांगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। हम बिल लेके जाएंगे नोटरी पब्लिक के पास, बोलेंगे डिस्काउंट का एंट्री करके दो, वो पैसा मांगेगा, पैसा कौन पे करेगा? हम। वसूल किससे करेंगे? ड्रॉवी से। तो झेलता कौन है नोटिंग चार्जेस का खर्चा? ड्रॉवी। क्यों? गलती किसका? ड्रॉवी का। डिसऑनर क्यों हुआ? सामने वाले की वजह से। पे मैं करूंगा क्योंकि बिल मेरे पास है, बट इट इज बोर्न बाय ड्रॉवी। बोर्न करना मतलब बेयर करना ना। खर्चा किसका है? ड्रॉवी का। हमारा खर्चा है। हम रिकॉर्ड तो करते हैं क्या नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ऐसा, बट हम तो सिर्फ पे कर रहे हैं, बाद में उससे वसूल करेंगे। याद नहीं, नया बिल बनता है विद नोटिंग चार्जेस। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं? गेटिंग सिंपल इजी में बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा, ऑलरेडी किया हुआ है अपन ने। पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा सीरीज यूट्यूब पे, समझ में आ रहा? कुछ भी देखना देख लेना। तो फिर आंसर इज ऑब्वियसली व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? डिसऑनर पे ना। किसने किया डिसऑनर? गलती किसका? झेलेगा कौन? मैं गाय को। आगे, देयर आर हाउ मेनी पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। हम क्या करते नॉर्मली? हम बिल ड्रॉ करते सामने वाले के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? मुझे पे करना। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बिल बनाते और तीसरे का नाम लिखते हैं ना। हमने बिल ड्रॉ किया कमलेश के ऊपर, कमलेश को बोला क्या, तू ये पैसा देना गोम्स बाबा को, एग्जाम्पल। तो हमने बिल ड्रॉ किया कमलेश के ऊपर और बोला पे गोम्स बाबा और इज ऑर्डर। तो वी आर ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉवी जो एक्सेप्ट कर रहा है, पेई जिसको पैसा मिलने वाला है। तो पेई कभी हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। नॉर्मली पेई कौन रहेगा? हम। क्यों? हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमको पैसा चाहिए, तो ड्रॉवर हम। नॉर्मली पेई भी हम, कभी कभार पेई कोई और हो सकता है, इसलिए देयर आर 3 पार्टीज। गेटिंग? आगे, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन फॉर 2 months आफ्टर डेट इट्स ड्यू डेट विल बी। अब आफ्टर डेट क्या होता है, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना भी ध्यान से। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ बिल, दो मेथड, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल। आफ्टर डेट बिल में क्या बोला है, इज डन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, मतलब आफ्टर डेट बिल रहेगा अगर तो ड्यू डेट कब से लेने का, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से। आफ्टर साइड बिल रहेगा तो ड्यू डेट कब से लेने का, जब सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। देखो बहुत सिंपल है, आफ्टर डेट यानी क्या, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से ड्यू डेट चालू। आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब देखना, मैंने बिल बनाया, देखने कौन वाला है, तो जब सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, जब वो देखेगा तब से ड्यू डेट काउंट होना शुरू। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है ना, सिंपल है, हाँ या ना, खत्म। तो अगर आफ्टर डेट बिल है तो जिस दिन बिल बनाया, ड्रॉ किया उस दिन से काउंटिंग शुरू। आफ्टर साइट है तो जिस दिन सामने वाला एक्सेप्ट करेगा उस दिन से काउंटिंग शुरू। सामने वाला क्या बोलेगा, भाई मेरे को मिला है आज बिल है, मैं अभी इसे 2 महीने बाद दूंगा पैसा। समझ में आ रहा है ये क्यों होता था पता है क्या, आज की तारीख में कोरियर और ये सर्विस फास्ट हो गई है, आज बिल ड्रॉ करो, पोस्ट करो, कल परसों में ही मिल जाएगा। पहले 10-10 दिन भी लगता था। तो मुंबई से बिल ड्रॉ किया जम्मू कश्मीर पे किसी के पास, उधर 10 दिन बाद बिल पहुंचा, वो बोलेगा भाई 1 महीने का बिल है, 10 दिन तो मेरे इसी चले गए, 20 दिन में कैसा पे करूं। समझ में आ रहा है क्या, कितने प्रकार के बिल है, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट। आफ्टर डेट बिल क्या बोलता है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से काउंटिंग शुरू ड्यू डेट का, बराबर। आफ्टर साइट बिल क्या बोलता है, जिस दिन ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, देखेगा, उस दिन से ड्यू डेट का कैलकुलेशन शुरू। आर यू गेटिंग, पक्का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन पब्लिक क्लियर, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, डन। चलो देखो, तो मेरा बिल इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स ऑन 3rd जनवरी। आफ्टर डेट कब से काउंट करेंगे, जिस दिन ड्रॉ किया। कभी ड्रॉ किया, 3 जनवरी को, कितने महीने का, 2 महीने। चलो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, 3 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, कितना, 6 मार्च 2020, ठीक है, आ गया, खत्म। गेटिंग। नोटरी पब्लिक इज, क्या काम है नोटरी पब्लिक का, क्या नोटिंग करने का, डिसऑनर का जो फैक्ट है वो नोट करने का, रिकॉर्ड करके दे देने का, बराबर। उसके लिए नोटरी पब्लिक क्या लेगा, नोटिंग चार्जेस। किसके पास से लेगा, ड्रॉवर के पास से। ड्रॉवर किससे वसूल करेगा, ड्रॉवर से। क्यों लेता है वो, क्योंकि बिल ड्रॉवर के पास है। देखो भाई हम ड्रॉवर है, हम ड्यू डेट पे लेके गए, बोला बिल ले पैसा दे, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, बिल उसको दे देंगे भाई, बिल है वही प्रूफ है कि पैसा नहीं मिला है, बिल दे दिया तो गया, तो बिल अपने पास ही रखेंगे, जाएंगे गवर्नमेंट के पास, बोलेंगे साला लिख के दे, इधर तूने डिसऑनर किया है। समझ में आ रहा है, पक्का क्लियर है, पढ़ो और आंसर बोलो। यस ऑनलाइन पब्लिक, कम ऑन, टाइप द ऑप्शन ABCD इन द चैट बॉक्स, कम ऑन जल्दी से। परफेक्ट, लास्ट वाला सिंपल। चलो भाई देखो, व्हेन एक्सेप्टर और ड्रॉई डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ बिल टू दी होल्डर ऑन ड्यू डेट, जब भी सामने वाला एक्सेप्टर या ड्रॉई कुछ भी बोल लो, वो पेमेंट नहीं करता तो डिसऑनर ही बोलते हैं ना, और क्या। ड्यू डेट पे, ड्यू डेट से पहले हम उससे मांग भी, पर उसको अगर ड्यू डेट के पहले पे करने का इच्छा है वो पे कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बढ़िया। आगे, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ट्रीट्स द बिल एज, एक्सेप्टर मतलब सामने वाला, कमलेश ना, क्या बोलता है, पेएबल। क्यों, वो पैसा तो पेएबल है ना। ये सब नोट्स भी भेजा है मैंने, डिजिटल वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी एकदम इजीली। आगे देखते हैं, गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 एक्स्ट्रा डेज व्हिच आर अलाउड ओवर एंड अबाउट द टर्म ऑफ द बिल, ग्रेस डेज, सिंपल है। तो ग्रेस डेज लिखो या 3 डेज ऑफ ग्रेस लिखो, कुछ भी चल, फर्क नहीं पड़ता। फीस चार्ज्ड बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉवर, बेयर कौन करता है। आगे, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अमाउंट मिलता किसको है, पेई को। तुम ड्रॉवर बोलेंगे ना, पार्शियली राइट है। क्यों पता है, ड्रॉवर को हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभी हम ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेंगे किसी और के लिए, तो वो पेई है ना, तो मिलता किसको है पैसा, पेई को हमेशा। अ पर्सन इन हुज फेवर अ बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्स मतलब क्या, बिल ट्रांसफर करना ना, जो बिल ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, एंडोर्स जो करता है, एंडोर्सर, जिसके फेवर में एंडोर्स हो रहा है, एंडोर्सी, वो एंडोर्सी। डन, इधर तक क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग द डिसऑनर ऑफ बिल, नोटरी पब्लिक। नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ध्यान से देखना, कैंसिलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हुआ है, इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल, मतलब हमने डिसऑनर किया है, क्यों? नया बिल बनाना है एक्सटेंड करने के लिए पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? कैंसिलेशन एंड न्यू बिल। कमलेश रिक्वेस्टेड द ड्रॉवर टू रिन्यू द बिल। तो रिन्यूअल मतलब क्या? पुराने बिल को कैंसल करो, डिसऑनर करो और नया बिल। रिन्यूअल के टाइम पे कभी ऐसा बोलते थे ओल्ड बिल डिसऑनर्ड? डायरेक्ट रिन्यूअल बोलते थे। सामने वाले ने क्या रिक्वेस्ट किया? नया बिल बनाओ, रिन्यू कर दो, मतलब पुराना। समझ में आ रहा है? ओल्ड बिल कैंसिल कर रहे इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल, मतलब पुराना बिल कैंसिल और नया बिल ड्रॉ। उसको बोलते रिन्यूअल ऑफ बिल। सिंपल, सही है। आगे, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये नहीं पता रहेगा, ये थ्योरेटिकल है। अकोमोडेशन बिल, मतलब दिस इज नॉट एन एक्चुअल बिल। इसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं होता, टाइम पास के लिए बनाया जाता है। पहले बहुत होता था, जस्ट एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फुलफिल करने के लिए। मतलब ऐसा होता था कि एक डमी बिल समझो, बस बस ऐसा, वही है और कुछ नहीं है। मैं बिल ड्रॉ करूंगा, सामने वाले पे बोलूंगा करके मेरे को पैसा दे देना, वो ड्रॉ करेगा मेरे को पैसा दे देना, और लास्ट में वो बिल क्या हो जाएगा? कैंसिल। कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन होता ही नहीं है, ये ध्यान रखो। डन। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, दैट इज अकोमोडेशन बिल। स्टार, क्योंकि ऐसी चीजें याद नहीं रहती है, तो ये ध्यान रखना। तो अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के साथ बिल बनाया तो नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। तो हम जो नॉर्मली बिल बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। ट्रेड बिल माने ट्रेड मतलब बिजनेस बिल, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सिंपल। आगे चलिए नेक्स्ट। फिर पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी इधर है ना झोले, थोड़ा ध्यान से समझना। पोजेशन मतलब क्या? वो बिल किसके पास है। हम बिल ड्रॉ करते हैं ना, तो बिल किसके पास होता है? नॉर्मली हमारे पास। पर अगर हमने बिल डिस्काउंट कराया तो एंडोर्स कराया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन रहेगा, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास। बात समझ में आ रहा है यार? तो बिल किसी के पास भी हो सकता है। जिसके पास बिल है उसको लीगली बोला जाता है होल्डर ऑफ द बिल। सिंपल। तो जिसके पास बिल, जो बिल के पोजेशन में है, दैट पर्सन इज नोन एज होल्डर। तो इफ बिल इज डिस्काउंटेड, हु इज द होल्डर? बैंक। इफ बिल इज एंडोर्स्ड, हु इज द होल्डर? एंडोर्सी। इफ बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, हु इज द होल्डर? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट। आर यू गेटिंग? आगे, कन्वर्जन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। ये ऐसा सुनने में ऐसा लगेगा क्या है, लिखता हुआ आंसर समझ जाएगा। देखना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में हमने बिल आज ड्रॉ किया, विच इज पेबल आफ्टर 4 months। कागज का टुकड़ा भेजा, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, वो बन गया बिल। बिल बन के आया। अब मैं कभी पैसा मांगूंगा सामने वाले से 4 महीने के बाद। 4 महीने पहले अगर मेरे को पैसा चाहिए तो क्या करूं? बैंक के पास जाओ, डिस्काउंट करो। तो बिल अगर 10,000 का है, मैं आज की आज ही बैंक के पास चला गया, जा सकता हूँ ना? आज बिल ड्रॉ किया और आज ही बैंक के पास चला गया, मतलब कितने महीने पहले? 4 महीने पहले मैंने बैंक को बिल दिया और पैसा लिया। मिल जाएगा पैसा? हाँ, पूरा 10,000 कटेगा ना, थोड़ा पैसा। मतलब क्या हो रहा है? डिस्काउंटिंग। हमको फ्यूचर में जो मिलने वाला था 10,000, वो आज मिलेगा थोड़ा। ऑब्वियस सी बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू जो है 4 महीने बाद के 10,000 का, तो कम ही रहेगा ना। कन्वर्जन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनटू प्रेजेंट वैल्यू। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो फेस वैल्यू है 10,000 जो है बिल का वैल्यू, वो 4 महीने बाद। रिगार्डिंग, आगे चलते। अमाउंट व्हिच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉवी ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। हाँ, क्या? बैड डेट्स। जो पैसा नहीं मिलेगा वो तो डूब, तो बैड डेट्स ही ना। चलो भाई नेक्स्ट। इनलैंड बिल इज वन विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री पेएबल इन अनदर कंट्री। वर्डपन के समय इनलैंड बिल मतलब विद इन दी कंट्री वाला, और ये एक कंट्री में ड्रॉ किया, दूसरे में पेएबल है, तो ये कौन सा बिल हुआ? फॉरेन वाला बिल। सिंपल है, तो आंसर इज। अरे ठीक है ना। इनलैंड बिल मतलब क्या? अ बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड मेड पेएबल विद इन दी टेरिटरी ऑफ वन एंड दी सेम कंट्री। खत्म। आगे, रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट। ऑब्वियसली ट्रू। पे कौन कर रहा है? सामने वाला, उसके इच्छा से। सो दैट इज रिटायरमेंट ना। ये रीजन है ही नहीं एक्चुअली, तो एक्सप्लेनेशन है, तो क्या ही रीजन देंगे यार। तो रिटायरमेंट मतलब क्या? पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट। डन। नेक्स्ट, ड्रॉवी कैन ट्रांसफर दी ओनरशिप ऑफ बिल। ड्रॉवी सामने वाला बिल ट्रांसफर कर सकता है। अरे बिल हमने उसके ऊपर बनाया, उसको पे करना है, कोई उसके बदले काय को पे करेगा। ड्रॉवर कैन ट्रांसफर दी ओनरशिप। हाँ, एंडोर्समेंट में क्या होता है? हम बिल किसी और को ट्रांसफर करते हैं, तो जिसके पास बिल है उसको मिलेगा पैसा, जबकि बिल पे उसका नाम था क्या? नहीं। वो तो बाद में हमने एंडोर्स कर दिया। हम ओनर है ना बिल के, बिल बनाया किसने? मालिक। कौन? हम कुछ भी कर सकते हैं, वो मालिक ही। वो कैसे ट्रांसफर करेगा किसी को? कोई लेंगा भी नहीं रही। तो ड्रॉवी कैन ट्रांसफर दी ओनरशिप बिल, फॉल्स। देखो भाई, ड्रॉवी इज डेटर, ड्रॉवी सामने वाला डेटर है। क्यों? हमको पैसा, तो हमारे लिए वो डेटर है, उसके लिए हम क्रेडिटर है। सिंपल है, डेटर जिससे पैसा आने वाला है तो वो ड्रॉवी है, वो डेटर है। आर यू गेटिंग? क्या फोर्थ, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ बिल इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फॉल्स, ऑब्वियसली फॉल्स। हमने बिल ड्रॉ किया था 12,995 का, जितना मेरे को याद है, बराबर। सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, जैसा हमने बिल बनाया था वैसा उसने एक्सेप्ट किया? उसने चेंज किया। चेंज किया ना? क्या चेंज किया? अमाउंट। मतलब अगर बिल में कुछ भी चेंज हुआ तो दैट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाई करना और एक्सेप्ट करना। क्वालिफाई करना मतलब चेंज करना, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर दिया, उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। उसने उसमें छेड़छाड़ नहीं की, जैसा था वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, जनरल एक्सेप्टेंस। चेंज किया तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आर यू गेटिंग? सो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल विदाउट मेकिंग चेंजेस क्या बोलते हैं उसको? जनरल एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब चेंजेस होने के बाद, विद सम चेंजेस, चेंजेस करके क्वालिफाइड बोलते हैं। तो बिना चेंजेस के जनरल एक्सेप्टेंस, जनरल वैसा की वैसा। आगे, डिस्काउंटिंग इज द डिवाइस टू कन्वर्ट द बिल इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ट्रू, प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट हो रहा है ना। जो मेरे को 4 महीने बाद 10,000 मिलने वाला था वो आज मिलेगा 9,800। तो प्रेजेंट वैल्यू कम होके आ रहा है कि ज्यादा? एंड डिस्काउंट ऑलवेज लेस। तो आज का वैल्यू डिस्काउंट होके ही आएगा। तो जब भी बिल को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट किया जाएगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। इसके लिए डिस्काउंटिंग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। सिंपल। तो आंसर इज ट्रू। वही बोला ना, व्हेन ड्रॉअर अप्रोचेस द बैंक टू डिस्काउंट द बिल, बैंक पेज द बिल अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग सर्टेन अमाउंट व्हिच इज नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो हम टाइम के पहले जब पैसा मांगते तो हमको कम पैसा मिलता है, तो आज प्रेजेंट वैल्यू हमको जो मिलेगा वो कम होगा, तो डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर ऑन द ड्यू डेट। ट्रू या फॉल्स? एक्सेप्टर को कब प्रेजेंट किया जाता है बिल? अरे तो ट्रू ना, अपन लिखते ही है 4 months आफ्टर द डेट पे मी। तो हम उसके पास बिल लेके कब जाएंगे? ड्यू डेट पे ही। हमने अगर बिल डिस्काउंट किया है तो कौन जाएगा उसके पास? कभी ड्यू डेट पे। हमने अगर एंडोर्स किया है तो कौन जाएगा? सामने एंडोर्स ही जाएगा ड्रॉवी के पास, कभी ड्यू डेट पे। तो बिल इज ऑलवेज प्रेजेंटेड ऑन दी ड्यू डेट। ड्यू डेट पे ही बिल विल आइदर गेट ऑनर्ड और डिसऑनर्ड। तो यू कैन नॉट प्रेजेंट द बिल बिफोर द ड्यू डेट to the drawee. Are you getting? क्या सिंपल। तो आंसर इज ट्रू। एक्सेप्टर मतलब कौन रे? ड्रॉवी, जो एक्सेप्ट कर रहा है। कितना सही बोला देखो ना। टू गेट द पेमेंट ऑफ द बिल, अगर बिल का पेमेंट चाहिए तो होल्डर, ड्रॉवर नहीं, क्योंकि हमारे पास भी हो सकता है बिल, बैंक के पास, एंडोसी के पास, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, किसी के पास भी बिल हो सकता है। जो होल्डर है वो बिल को प्रेजेंट करेगा, एक्सेप्टर को कभी, उसके पहले चांस ही नहीं। चलते आगे। If a bill is discounted by the holder, no entry is passed in his book when the bill is honored on the due date. ध्यान से सुनना, बिल डिस्काउंट किया है होल्डर ने, कौन डिस्काउंट करेगा? हम। एंडोर्स भी करा सकता है यार। तो मान लो सिंपल रखते हैं, हम ड्रॉवर है, हमने बिल डिस्काउंट कराया, बराबर। तो हमने बैंक से पैसा ले लिया, हाँ। नो एंट्री इज पास्ड इन हिज बुक। इन हिज बुक मतलब होल्डर के बुक में ना रे, होल्डर की बात करें तो हीज कौन हुआ? होल्डर ही हुआ ना। तो हमारे बुक में नो एंट्री होता है जब बिल ऑनर होता है। तो अब देखना, हमने आज बिल डिस्काउंट कराया, हमको पैसा मिल गया, बिल किसके पास? बैंक के पास। ड्यू डेट पे बैंक जाएगा, ड्रॉवी के पास, सामने वाले के पास देगा, बिल मांगेगा, पैसा दे दिया उसने पैसा, तो क्या होगा? बैंक को पैसा मिल जाएगा, ड्रॉवी बिल दे देगा, हम बैठ के तमाशा देखेंगे। आ गया डायलॉग याद? सिंपल, हम तो कुछ करेंगे ही, हमारे साथ कुछ हुआ ही, तो एंट्री का इको करेंगे हम। तो क्या होता है? When the bill is discounted by the holder, so at the time of honor, no transaction takes place with the holder ना। क्यों? Bill is presented by the bank to the drawee and drawee makes the payment. So holder of the bill के साथ there is no transaction taking place. So if no transaction is taking place with the holder, so holder don't have to pass any entry. खत्म। This is the reason और क्या ही? तो answer is देखो, सेम अपन ने जो पढ़ा वही है, कुछ भी अलग नहीं है। जब बिल डिस्काउंट होता है, होल्डर, हम बिल का पोजीशन किसको देते हैं? बैंक को। बिल किसके पास है? बैंक के पास। ड्यू डेट पे बैंक जाएगा, ड्रॉवी के पास देगा, बिल मांगेगा पैसा। तो जब बिल ऑनर होता है, किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है? वो ड्रॉवी और बैंक। हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हम क्या को एंट्री पास करें? खत्म। जी, यस ऑनलाइन पब्लिक क्लियर इधर तक? नोटिंग चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय द ड्रॉवर। पूरा कहानी देख लिया अपन ने। Obviously false. क्यों? जब बिल डिसऑनर होता है, हम कौन? ड्रॉवर। हम बिल लेके किसके पास जाते? नोटरी पब्लिक के पास। क्या बोलते हैं? वो डैश ने बिल डिसऑनर कर दिया, तू लिख करके दे, नोट करके दे। वो बोलेगा भाई नोटिंग चार्जेस लगेगा, मैं बोलेगा ले और नोट करके दे। और अपन ये नोटिंग चार्जेस क्या करेंगे, सामने वाले से वसूल करेंगे। तो एंड ऑफ द डे झेलना किसको है, नोटिंग चार्जेस, सामने वाले को, ड्रॉवी को। बेयर कौन कौन करने वाला है, तो दिस चार्जेस आर बोर्न बाय ड्रॉवी। डन। व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, होल्डर ऑफ द बिल हैज टू पे द नोटिंग चार्जेस टू द नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग द फैक्ट। कि होल्डर जाता है बिल लेके, बराबर कि नहीं। एंड सब्सिक्वेंटली दिस अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉवी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिससे रिकवर हो रहा है उसका खर्चा, दैट पर्सन इज रिस्पांसिबल, उसका खर्चा, दैट पर्सन विल बेयर दी नोटिंग चार्जेस का अमाउंट। Why should we bear? If a bill is drawn payable on demand, सबसे इंपॉर्टेंट देखना, if a bill is drawn payable on demand, no grace days are ordered। On demand bill क्या होता है, सिंपल, हम क्या लिखते हैं 4 months after the date। मतलब हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, कब पैसा देना, 4 महीने के बाद। हाँ, ऑन डिमांड मतलब क्या, जब बोलूंगा तब। तो अगर मैंने लिखा है 4 months after the date pay me, तो मैं कभी भी मांग सकता हूँ पैसा, क्योंकि क्लियरली मेंशन किया है क्या, टाइम पीरियड, 4 महीने बाद ही देना। पर अगर मैं लिखूं ऑन डिमांड पे मी और माय ऑर्डर, तो जब मैं मांगेगा तब मेरे को पैसा चाहिए, तो उसमें ग्रेस डेज मिलेगा नहीं का ग्रेस डेज। मैंने आज बोला पैसा चाहिए तो चाहिए, बात ही खत्म। तो ऑन डिमांड बिल मतलब क्या, जब बिल प्रेजेंट करोगे सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। बिल पे क्या लिखा है, ऑन डिमांड। डिमांड मतलब जब हम मांगेंगे तब। तो वो टाइम पे ग्रेस डेज क्यों मिलेगा, ग्रेस डेज कभी मिलता है जब ड्यू डेट कैलकुलेट होता है। और ड्यू डेट कब कैलकुलेट होगा, जब बिल पे पीरियड मेंशन किया है। समझ में आ रहा है, सिंपल। तो डिमांड बिल में मिलेगा ग्रेस डेज, नो ग्रेस डेज आर अलाउड, ट्रू। सेकेंड पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है इसमें, जो बिल ड्रॉ किया जाता है ऑन डिमांड उस पे टाइम पीरियड ही नहीं होता, क्योंकि लिख क्या रहे हम, ऑन डिमांड। मतलब क्या, जब हम मांगेंगे तब पैसा देना पड़ेगा। तो डेट लिखना है, कोई डेट मतलब टाइम पीरियड लिखना ही क्यों है, 40 डेज आफ्टर द डेट, मैं बोलूंगा तब। तो हम शुरू ही कैसे करेंगे, ऑन डिमांड, पे मी और माय ऑर्डर, बात ही खत्म। इट मींस द अमाउंट ऑफ सच बिल इज टू बी पेड बाय द ड्रॉवर इमीडिएटली एज सून एज द बिल इज प्रेजेंट। जब मैं प्रेजेंट करूंगा सामने वाले को पे करना पड़ेगा ऑन डिमांड बिल, तो उसमें ग्रेस डेज आएगा ही नहीं। देयर आर 3 parties टू अ प्रॉमिसरी नोट। ये पढ़ लो, थियोरेटिकल है, ऑब्वियसली फॉल्स। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही है, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। कैश है क्या आप लोग के पास, तो प्लीज जरा निकालना ना, बहुत सही चीज है। तो देखो जूम मत करना रे, बिगाड़ देगा फोकस मेरा। ऑनलाइन पब्लिक देखो, हर नोट पे लिखा रहेगा, देखना, आई प्रॉमिस टू पे दी बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज। देखना ध्यान से, मिलेगा ना, हर नोट पे रहेगा। अभी देखना, सुनो सुनो, उसने ये नोट मेरे को दिया, हाँ, आई एम दी होल्डर, आई एम दी ओनर। वो प्रॉमिसर था, मैं प्रॉमिसी। मैंने 100 रुपए मांगा, उसने दिया, उसका प्रॉमिस पूरा हो गया, मेरे को मिल गया। अब मैं ये पैसा जब इसको दूंगा तो अभी मैं प्रॉमिसर है और वो, 2 ही पार्टी है, बात खत्म। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, उसने बिल ड्रॉ किया मान लो मेरे पे, वो क्या बोलेगा 4 महीने बाद उसको या किसी, क्योंकि वो बिल है, वो पैसा, ये तो एक्चुअल पैसा है। पढ़ा क्या, समझ में आ रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ promissory note। So currency, Indian currency or any kind of currency, currency itself is a type of promissory note। जहाँ पे 2 ही पार्टी है, देने वाला और लेने वाला, खत्म। पेयर, पेई, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, खत्म। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर कैन बी अ पेई और कैन नॉट बी अ पेई, बात समझ में आ रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट करने वाला पेयर है, बिल ड्रॉ करने वाला पेई हो भी सकता है, मतलब जो बिल ड्रॉ कर रहा है खुद के फायदे के लिए कर सकता है या किसी, तो 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। करेंसी में, प्रॉमिसरी नोट में चांस ही नहीं है, मैं प्रॉमिस करूंगा तेरे लिए ही, मैं किसी और के लिए प्रॉमिस करूंगा ही नहीं, तो फिर वो प्रॉमिसर नहीं, वो गारंटर हुआ फिर, सिंपल। बात समझ में आ रहा है। तो देयर आर 3 parties टू प्रॉमिसरी नोट, फॉल्स, ऑब्वियसली फॉल्स। देयर आर ओनली प्रॉमिसर, पेयर, खत्म, दैट्स इट। यस, ऑनलाइन पब्लिक देखा क्या, नोट पे इधर देखना, देखा क्या, 2 parties प्रॉमिसरी नोट का, ड्रॉवर मेकर एंड ड्रॉवी पेई। इधर उल्टा है, इट इज नॉट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा वो पे, वो तो वही लिखेगा ना, आई प्रॉमिस टू पे, सिंपल। जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है वो वादा कर रहा है ना, तो जो वादा करेगा वो निभाएगा। कि वो ऐसा बोलेगा, मैं लिख रहा हूं, तू वादा करना, तू मेरे को पैसा देगा। अरे अरे, समझ में आ रहा ना, वादा करने वाला तो निभाएगा ना, तो प्रॉमिस करने वाला पे करेगा, तो ड्रॉवर मेकर। इधर उल्टाया, ध्यान रखना। और जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट बन रहा है वो ड्रॉवी है, वो पे ही है, उसको पैसा मिलेगा। 3 parties टू बिल्स ऑफ। चलो भाई, ऑनलाइन पब्लिक डन, इधर तक क्लियर। चलो रे, फाइंड दी ऑड वन। रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग फॉलोइंग एंडोर्सिंग। सोचो ध्यान से, मजेदार एकदम। ये ऑनर भी हो सकता है, ये ऑनर भी हो सकता है, रिटेंड वाला बिल। एंडोर्सिंग ऑनर भी हो सकता है, नोटिंग ऑनर हो सकता है। नोटिंग मतलब वो बिल जो डिसऑनर। अब सुनना ध्यान से, और एक इंपॉर्टेंट रीजन, ये तीनों अपने हाथ में। अपने हाथ में मतलब वी कैन डिसाइड वेदर वी वांट टू रिटेन द बिल, वेदर वी वांट टू डिस्काउंट द बिल, और इफ वी वांट टू एंडोर्स द बिल। सो ये तीन काम हम कर सकते हैं जो बिल हमारे पास होता है उसके साथ। नोटिंग यानी डिसऑनर वो कौन करता है? सामने वाला। मतलब ये तीन जो है ना, ये बिल के यूजेस है, ऐसा समझो। इफ वी वांट वी कैन रिटेन द बिल, हम चाहे तो हमारे पास रखे, हम चाहे तो डिस्काउंट करा के पैसा ले ले, हम चाहे तो एंडोर्स कर दे, हम चाहे तो बिल सेंड कर दे बैंक फॉर कलेक्शन के पास। नोटिंग डिसऑनर हमारे हाथ में, वो सामने वाला। गेटिंग पॉइंट समझ में आया? रीजन समझना जरूरी है। आगे, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल, डिमांड बिल। अकोमोडेशन बिल इज नॉट द राइट आंसर, थोड़ा सोचो समझ में आ जाएगा तुमको। आंसर डिमांड बिल है। चलो रीजन तो सोचो क्या क्यों रहेगा। एग्जैक्टली इसमें टाइम पीरियड नहीं होता ना। डिमांड जब बोला तब पैसा देने का। ट्रेड बिल तो एक्चुअल बिजनेस बिल है। आफ्टर ट्रेड बिल का हिस्सा है। अकोमोडेशन बिल में वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं है, मनी तो है, टाइम तो है। अकोमोडेशन बिल भी ड्रॉ किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए ना। वेयरएज डिमांड बिल में टाइम पीरियड नहीं होता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा रीजन है, ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है पक्का? यस कंप्यूटर जी, डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन शेयर करके वो वाला पेज जो मैंने आपको बोला था। भाई देखो टाइप्स ऑफ बिल दिख रहा है। पहला ट्रेड बिल, एक्चुअल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिजनेस बिल। कुछ बेचते तो पैसा, अगर उधारी पे कुछ बेचा क्रेडिट पे तो फ्यूचर में पैसा आता है, तो वो कंफर्म, वो पेमेंट एश्योरेंस के लिए भी ड्रॉ बिल, बराबर ना। तो बाइंग सेलिंग का जो ट्रेड है यानी जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए भी यूज ट्रेड बिल, एक्चुअल बिल ऑफ एक्सचेंज। ये ट्रेड बिल आफ्टर डेट हो सकता है, आफ्टर साइट हो सकता है, या डिमांड बिल हो सकता है, जब मांगा तब। अकोमोडेशन बिल तो एक्चुअल बिल है ही नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ। इनलैंड बिल विद इन दी कंट्री वाला। फॉरेन बिल एक कंट्री में ड्रॉ किया, दूसरे कंट्री में पेएबल। इतना समझ में आया? ऑनलाइन पब्लिक टाइप्स ऑफ बिल। तो ये सब में ना ये ऑड वन क्यों है पता है क्या? क्योंकि बाकी सब बिल में टाइम पीरियड है, पर इसमें ये बिल बनाया जाता है ऑन डिमांड, जब मांगा तब पैसा देने का। फॉरेन बिल, इनलैंड बिल टाइम पीरियड होगा। आफ्टर डेट, आफ्टर साइड टाइम पीरियड रहता है। फर्क क्या है दोनों में? आफ्टर डेट में जिस दिन बिल बनेगा उस दिन से काउंट होगा, आफ्टर साइड बिल में जिस दिन सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, देखेगा, when he will see, उसका साइट जब पड़ेगा तब से टाइम पीरियड काउंट होएगा, बट ड्यू डेट है उसमें, टाइम पीरियड है। ये दोनों भी हो गया। अकोमोडेशन बिल टाइम पीरियड है, वैल्यूएबल कंसीडरेशन ने टाइम पास के लिए ड्रॉ किया है, बट टाइम पास के लिए कभी ड्रॉ मतलब पर ऐसा इंफिनिटी के लिए नहीं, 2-4 महीने के लिए ड्रॉ करते। समझ में आ रहा है? ड्रॉवर भी करता है और सामने वाला भी ड्रॉ करता है, दोनों एक दूसरे पे बिल ड्रॉ करते हैं। जैसे ही काम हो गया बिल खत्म, एंड। समझ में आ रहा है? तो सब में ऑड कौन सा है? ये वाला। क्यों? इसमें टाइम पीरियड नहीं है, ऑन डिमांड है, जब प्रेजेंट तब पैसा, जब बोलूं तब पैसा मिलना चाहिए। बाकी सब में टाइम फ्रेम है। रीडिंग ध्यान रहेगा पक्का? टाइप्स ऑफ बिल भी समझ गए पक्का? आगे चलते। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये कौन है? गवर्नमेंट का बंदा। डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। पढ़ो ध्यान से, सोचो। ये आंसर है नोटिंग चार्जेस। रीजन बोलो मेरे को। देखो ध्यान से सुनो, डिस्काउंटिंग में क्या होता है? हम बिल देते, पैसा लेते हैं, पैसा मिलते टाइम कम पैसा मिलता है क्योंकि टाइम से पहले मिल रहा है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट जाता है, वो हम झेलते हैं, हमको कम मिलता है ना पैसा, हमारा नुकसान। रिबेट, रिटायरमेंट ऑफ बिल, सामने वाला टाइम से पहले पे कर रहा है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे कि नहीं? वो रिबेट देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो हमको पैसा कम मिलेगा, हमारा नुकसान। बैंक चार्जेस, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हम बिल भेजते हैं बैंक को कलेक्शन के लिए, कलेक्ट करके लाके देता है तो हमसे पैसा लेता है, काट के पैसा देता है ना हमको, तो हमको कम पैसा मिलता है, हमारा नुकसान। नोटिंग में हमारा नुकसान, ड्रॉवर का नुकसान, किसका नुकसान? दूसरा कंपैरिजन। ये सब तभी होगा जब बिल का पैसा मिलेगा, इसमें डिसऑनर हो रहा है काई का। ये सब में कट के पैसा आता है, इसमें हम पे कर रहे, वसूल सामने वाले से करते। अरे समझ में आ रहा है क्या? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये झेलता है, ये तीन झेलते हैं अपनी इच्छा से, ये हो जाता है। गेटिंग और नॉट? डन। चलिए नेक्स्ट, स्टैम्प, एक्सेप्टेंस, ड्राफ्ट, अमाउंट। बोलिए क्यों? एग्जैक्टली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हिस्से है ना। स्टैम्प होता है, अमाउंट का बॉक्स होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता, ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट तो बिल बनने के पहले होता है। ठीक है, डन। ऑनलाइन पब्लिक, यस ऑनलाइन पब्लिक, गुड टू गो। आगे चलते, कंप्लीट दी सेंटेंसेस, कम ऑन। मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ड्यू डेट से पहले होता है ना, पर वो बिल का पेमेंट है। मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल, हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल? ड्रॉवी। इन एनी केस रिटेंड वाला बिल भी, डिस्काउंटेड वाला बिल भी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन भी, एंडोर्स्ड भी, बिल का पेमेंट कौन करने वाला है? सामने वाला। कभी करेगा नॉर्मली ड्यू डेट पे, ड्यू डेट से पहले करना है तो उसके हाथ में है। समझ में आ रहा है? तो बिल अगर ड्यू डेट से पहले पे हो रहा है तो वो रिटायरमेंट है, डिस्काउंटिंग पेमेंट नहीं होता, एनकैशमेंट होता है। हमको चाहे तो हम बैंक से ले ले। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स, इतना ही पढ़ के आंसर हो जाना चाहिए। इनसॉल्वेंट पर्सन एंड नॉट इन अ पोजीशन टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज, इनसॉल्वेंट पर्सन। Amount that cannot be paid by acceptor on account of insolvency. बहुत सही बोला आपने, आपकी भावना एक सही थी, बट थोड़ा सा ना यहाँ पे फोकस चाहिए। एक्सेप्टर मतलब कौन? ड्रॉवी। बात ड्रॉवी की हो रही कि ड्रॉवर की? ड्रॉवर के लिए बैड डेट्स है, ड्रॉवी के लिए डेफिशिएंसी है। देखो क्या बोला है, अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर। कमलेश ड्रॉवी पे नहीं कर पा रहा है पैसा, तो क्या बोलेगा? डेफिशिएंसी। जो नहीं पे कर पा रहा है वो बैड डेट्स बोलेगा। बैड डेट्स मतलब क्या? जो पैसा डूब गया, जो मिला नहीं, आया नहीं। आने की बात कौन करेगा? ड्रॉवर। सोनू ड्रॉवर बोलेगा जो पैसा नहीं मिला, डूब गया, बैड डेट्स। ड्रॉवी क्या बोलेगा? मैं नहीं पे कर पाया, कम पड़ गया पैसा, डेफिशिएंसी है। समझ में आ रहा है? तो देखना दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू का बात है। आंसर क्या है? स्टार बराबर ना। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पता है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैड डेट्स ड्रॉवर के हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। गेटिंग? सो बैड डेट्स जो है वो ड्रॉवर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वेयर एज डेफिशिएंसी जो है वो एक्सेप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये ध्यान रखना। गेटिंग? क्या हम ड्रॉवर है, हम हमारे बुक्स में बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, सामने वाला डेफिशिएंसी को क्रेडिट करेगा। उसका तो फायदा हो गया एक प्रकार का, पर वो गलत फायदा है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे, अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड इज नोन एज आफ्टर डेट बिल। गेटिंग? क्या आफ्टर डेट बिल। नॉर्मली जब भी बिल ड्रॉ किया जाता है वो आफ्टर डेट ही होता है। आफ्टर साइट रहेगा तो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो ध्यान रखना। अब बिल विच इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद वैल्यूएबल कंसीडरेशन, ट्रेड बिल, एक्चुअल बिल। अब बिल के बहुत प्रकार है, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइट बिल, डिमांड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। क्या क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखते हैं? ट्रेड बिल, क्योंकि ट्रेड बिल ही एक्चुअल बिल है। दूसरा जो एक्चुअल नहीं है वो क्या है? अकोमोडेशन बिल, बट उसमें टाइम पीरियड होता है, पर वो एक्चुअल नहीं है क्योंकि वैल्यू कंसीडरेशन नहीं है कुछ। अ पर्सन हु draws the bill of exchange is known as ड्रॉवर। और क्या ही है? ऐसा क्वेश्चन आके डरो मत, क्या रहेगा, इतना इजी। हाँ भाई, हो सकता है। A bill whose due date is calculated from the date of acceptance after sight bill। अरे तुमको लॉजिक समझाना, क्यों आफ्टर साइट बोलते, बहुत डिटेल में समझाया। एक्चुअल लॉजिक ही वो है। रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल इज नोन एज नोटिंग। नोटिंग चार्जेस नहीं है, नोटिंग, नोटिंग, दैट्स इट। नोटिंग ऑफ बिल भी लिखने की जरूरत नहीं है। नोटिंग मींस रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल। व्हेन ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल पेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली। ड्रॉवी मतलब सामने वाला ना, एक्सेप्टर, वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, पेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली। क्वालिफाइड एक्सेप्ट मतलब अपन ने बिल ड्रॉ किया, बराबर, पेबल एट मुंबई। उसने बोला मैं मुंबई में पे, मेरे को चेन्नई में ही पे करना है। मतलब वो अपना बात सुन रहा है, पर जैसा हम बोल रहे हैं वैसा सुन रहा है क्या? वो क्वालिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है ना टर्म्स। क्या चेंज किया उसने? प्लेस। तो दिस इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस as to place। अरे गेटिंग? क्या लीगल भाषा? तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। पूरा बिल क्वालिफाई किया? नहीं भाई, सिर्फ जगह। तो क्वालिफिकेशन किया है, कौन से क्लॉज में क्वालिफिकेशन किया है? सिर्फ प्लेस में, बाकी कुछ नहीं। अमाउंट उतना ही, टाइम भी उतना, बस जगह उसको चेंज करना है। तो ठीक है, क्वालिफिकेशन है, पूरा क्वालिफिकेशन नहीं है। सो इट इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये तो पक्का। क्यों? चेंज किया ना उसने बिल, थोड़ा कंडीशंस चेंज किया ना, कंडीशंस नहीं, क्लॉज चेंज किया ना। क्या चेंज किया? प्लेस। तो दिस इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू प्लेस। आगे, फीस चार्ज बाय द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल, बैंक चार्जेस। डिस्काउंटिंग में भी चार्जेस होता है, बट उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। आर गेटिंग? सिंपल। तो ये क्या है? बैंक चार्जेस। जब बिल रिटायर होता है सामने वाला भी चार्ज करता है क्या? डिस्काउंट या तो रीबेट। हरे डन, उसका अलग ही हो गया था। Done guys, आगे चलते हैं। आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? ये डेफिनेशन है, मैंने थोड़ा सा ये लीगल टर्म रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। अंडरलाइन वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, तो पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो, फिर जो अंडरलाइन किया हुआ है उस पर फोकस करो, खत्म। क्या बोले था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, नेगोशिएबल है ना, कि नेगोशिएट होता है ना। मैं बोलूंगा वैसा सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, क्वालिफाई कर सकता है ना, तो नेगोशिएशन है, बार्गेनिंग है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर है, कंडीशंस नहीं है उसमें। साइंड बाय द ड्रॉवर, ड्रॉवर साइन करता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है, साइन दोनों करते हैं यार, बट फिर दोनों में डिस्टिंग्विश कुछ तो करना चाहिए ना। हम बोलेंगे हमने साइन किया, उसने भी साइन किया, तो हम साइन कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है, इज आल्सो साइनिंग, बट उसका साइनिंग इज नोन एज एक्सेप्टेंस। हम क्यों साइन कर रहे हैं? हमने बनाया ना, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए भाई सच में भी उसने बना के भेजा है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, हम सामने वाले को डायरेक्ट कर रहे हैं ना, हम उसको पूछ रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर ही दे रहे हैं, तेरे को पे करना है 4 months आफ्टर डेट, पे मी, प्लीज पे मी, यू विल हैव टू पे मी यार। हम एक कोई व्यक्ति को डायरेक्ट कर रहे हैं टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट। डिमांड बिल रहेगा तो डिमांड पे, आफ्टर डेट आफ्टर साइट रहेगा तो एक टाइम पीरियड के बाद। टू दी ड्रॉवर, हम बना रहे हमको या पे कोई और को, या हिज ऑर्डर, मतलब हमारा ऑर्डर या उसका ऑर्डर। हम बोलते हैं ना पे मी और माय ऑर्डर, क्या बोलेंगे? पे राजेश और हिज ऑर्डर, वैसा। समझ में आ रहा है? यही चीज है और कुछ नहीं है, बट उसको लीगल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबसे बड़ा तो क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, हम ऑर्डर दे रहे, पे और माय ऑर्डर या पे कोई और को, ड्रॉवर ड्रॉई को, क्या? सर्टेन सम ऑफ मनी, कभी डिमांड पे या टाइम पीरियड पे। आर यू गेटिंग? व्हाट आर ग्रेस डेज? व्हाट आर डेज ऑफ ग्रेस? 3 days प्रोवाइडेड बाय द एक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द लीगल ड्यू डेट। अरे बराबर ना, एक नॉमिनल ड्यू डेट होता है और लीगल। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब क्या? सिंपल है, आज डेट क्या है? 21 फरवरी, बराबर। आज बिल ड्रॉ किया 2 महीने का, तो मार्च अप्रैल, 21 अप्रैल इज गोइंग टू बी दी नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days, 24 अप्रैल लीगल ड्यू डेट। तो ग्रेस डेज ऐड किया जाता है नॉमिनल ड्यू डेट में टू फाइंड लीगल ड्यू डेट। और क्या ही लिखेंगे फिर, तो वो एक्स्ट्रा डेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, एक्ट प्रोवाइड करता है टू कैलकुलेट लीगल ड्यू डेट। सही है कि नहीं? 3 days, 3 एक्स्ट्रा डेज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग दी पेमेंट। सही है कि नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज? डिस्काउंटिंग कराना मतलब क्या? ड्यू डेट से पहले होल्डर क्या करेगा? बिल लेके बैंक के पास जाएगा, बिल देगा, पैसा लेगा, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा ना। बिल का अमाउंट मिलेगा कि बिल से कम का? गेटिंग क्या? तो व्हाट इज डिस्काउंटिंग? एनकैशमेंट। काय का एनकैशमेंट? बिल का। किसके साथ? बैंक के साथ। कभी ड्यू डेट से जिसमें हमको पूरा बिल का अमाउंट मिलेगा, कम ना लिखा भी है। फेस वैल्यू ऑफ बिल, फेस वैल्यू मतलब वही जो अमाउंट लिखा है, फेस वैल्यू, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द बिल। डन, देखते हैं आगे। व्हाट इज नोटिंग ऑफ द बिल? जब, हाँ इधर से शुरू होना चाहिए पॉइंट, तो सही है कि नहीं? जब बिल डिसऑनर होता है तो होल्डर, होल्डर ना, ड्रॉवर नहीं, होल्डर, क्यों? एंडोर्स किया रहेगा तो बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास। नोटिंग के लिए कौन लेके जाएगा? एंडोर्सी। डिस्काउंटिंग किया है, बिल किसके पास है? कौन लेके जाएगा नोटिंग के लिए? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, किसके पास बिल है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास। कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा। तो जो होल्डर, जिसके पास बिल, वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। सो व्हाट इज नोटिंग? जब भी बिल डिसऑनर होता है, होल्डर ऑफ द बिल डिसऑनर का फैक्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए जाता है, किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर विद द नोटरी पब्लिक इज नोन एज नोटिंग ऑफ द बिल। यस और नो? सही है, रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर। व्हाट आर नोटिंग चार्जेस? जब हम बिल को नोट कराने जाते हैं, मतलब जब भी बिल डिसऑनर होता है, हाँ, द फैक्ट ऑफ डिसऑनर को हम रिकॉर्ड करने जाते हैं, किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। तो वो डिसऑनर के फैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए नोटरी पब्लिक फीस चार्ज करता है, उसको बोलते हैं, खत्म, वही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फीस चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक फॉर नोटिंग द फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर, दैट इज नोटिंग चार्जेस। सिक्स्थ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी? स्टारा। तो सिंपल है, ड्रॉवर मतलब क्या? हम जिसको पैसा मिलने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे? ड्रॉवी से पैसा, तो हमारे लिए ड्रॉवी कौन है? हाँ या ना? ड्रॉवी क्या बोलेगा? पैसा जाने वाला है, तो ड्रॉवी के लिए सामने वाला कौन है? तो रिलेशनशिप क्या है? क्रेडिटर एंड डेटर का। तुम लिख देंगे डेटर एंड क्रेडिटर, गलत। उल्टा याद रखो बस, सीडी। तो क्या रिलेशनशिप है? क्रेडिटर डेटर। हम बोलेंगे पैसा आने वाला है, सामने वाला डेटर, हम क्रेडिटर। खत्म। चलते आगे, नेक्स्ट क्या? हु इज पेई ऑफ द बिल? जिसको पैसा मिलेगा। खत्म। मुद्दा, टू हुम द बिल इज मेड पेएबल, जिसको बिल का पैसा दिया जाता है। और इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन, एक ही बात है ना। व्हाट डू यू मीन बाय रिबेट? हाँ, जब बिल रिटायर होता है, पे करने वाला कम पैसा पे करता है क्योंकि ही इज पेइंग बिफोर ड्यू डेट। तो वो जो कटता है पैसा, दैट इज रिबेट, जो हमारे लिए खर्चा है, इनकम। देख, सिंपल मुद्दा, रिबेट, कंसेशन और डिस्काउंट व्हेन अ बिल इज रिटायर्ड। खत्म। गेटिंग? सही है ना। कंसेशन डिस्काउंट गिवन बाय द होल्डर। हम अगर डिस्काउंट कंसेशन नहीं देगा, टाइम के पहले पे करेगा ही नहीं। क्यों करेगा भाई? जब भी पैसा टाइम से पहले मिलता है, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज लीगल ड्यू डेट? नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days ग्रेस, वही लीगल ड्यू, कुछ नहीं। डेट विच इज अराइव्ड आफ्टर एडिंग 3 days of grace to nominal due date, that is legal due date। And legal due date वो डेट है जो डेट को पैसा पेएबल होता है, मतलब बिल का अमाउंट इज पेएबल, है ना। व्हाट इज बिल्स पेएबल ऑन डिमांड? तो बिल्स पेएबल ऑन डिमांड मतलब वो बिल जिसपे टाइम पीरियड नहीं होता, एंड वो बिल वैसा बिल है जो पेएबल है जब भी प्रेजेंट किया जाएगा तब। यस और नो? देखो क्या होता है बिल्स पेएबल ऑन डिमांड, व्हेन द अमाउंट इज पेएबल ऑन द प्रेजेंटेशन, जिस पे टाइम पीरियड नहीं होता, ग्रेस डेज भी नहीं मिलता, उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जब बोलूंगा, मतलब जब बिल प्रेजेंट होगा। खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट, डन। चलो भाई, देखते हैं आगे। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? पहला, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर। अरे काई का कंडीशनल रे, अनकंडीशनल है, ऑर्डर है ना। ऑर्डर क्या होता है? फिर पार्टी विच इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज पेई। अरे जिसको ऑर्डर करते हैं पे करने के लिए, वो पेई है। कौन है वो? पेयर, हु इज आल्सो नोन एज ड्रॉ वी। हाँ, पेयर, ड्रॉवर, कुछ भी मत जोड़ो। तो आंसर इज डिसएग्री। द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स्ड इज नोन एज एंडोर्सी। Agree, कितने बार तो पढ़ा, क्या बार बार बार। रिबेट और डिस्काउंट गिवन ऑन रिटायरिंग ऑफ बिल इज एन इनकम टू ड्रॉवी। रिटायरमेंट के टाइम रिबेट, डिस्काउंट, ड्रॉवी का फायदा। हाँ, क्योंकि उसको कम पैसा देना पड़ता है, उसका फायदा, हमारा नुकसान। A bill from the point of view of debtor is called bills payable। अब ध्यान से, अब सोचो, ऐसे टाइम पे डायरेक्ट आंसर देने का ही नहीं। हम ड्रॉवर कि नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से होता है, पर नॉर्मली हम पढ़ते टाइम, कॉन्सेप्ट के टाइम क्या समझेंगे हम? ड्रॉवर, वो पैसा हमारे लिए सामने वाला डेटर। अब देखो क्या बोला है, अ बिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटर, मतलब सामने वाले से पैसा आने वाला है, तो वो डेटर है ना, उसके लिए बिल्स पेएबल। सही है कि नहीं? खत्म। Agree. In case of bill drawn payable on demand, no grace days. Agree. A bill is required to be accepted by drawer. Disagree. A bill is required to be accepted by drawee. हम बनाए, हम ही accept करें, हम अपने आप को पैसा देंगे। A bill of exchange need not be dated. अरे तो फिर डेट ही नहीं है तो क्या? A bill before acceptance is called draft. Disagree. Renewal is the request by drawee to extend the credit period of the bill. Agree. Obviously agree. सामने वाला रिक्वेस्ट करता है ना कि मैं आप भी पैसा नहीं दे पाऊंगा, थोड़े टाइम दे दो, मतलब नया बिल बना दो। अरे डन। कैलकुलेशंस वाला पार्ट कल करते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिए क्या रेफर करना है? अरे ध्यान से, मैंने क्या बोला था, यूट्यूब पे है ना, है 3 फॉर्मेट्स इधर है, 3 इधर है, 6 फॉर्मेट्स है। रेफर वीडियोज ऑन, हाँ, वाह क्या स्टाइल से बोलते हैं, ड्रॉ भी नहीं कर रहा मैं। चलिए डन। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, पेबल टर्म्स दिया, ड्यू डेट फाइंड करना है। भाई कुछ बोला नहीं है, मतलब कौन सा ड्यू डेट? लीगल ड्यू डेट, ध्यान रखो। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर डेट, आफ्टर साइड दिख रहा है, तो आफ्टर डेट मतलब कब से? 60 दिन। कब से? जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से। डेट आफ्टर साइड मतलब जब एक्सेप्ट किया, सामने वाले ने जब देखा, एक्सेप्ट किया, उस दिन से। डन। चलिए, तो पहला 60 days आफ्टर डेट, कब से काउंट करेंगे? 60 दिन। ये डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है ना, तो 30 जनवरी। जनवरी का कुछ टाइम बचा है, एक दिन बचा है ना, तो 1 दिन। हाँ, प्लस जनवरी के बाद फरवरी के कितने दिन? 28। लीप ईयर है, ध्यान से। हाँ, तो कितने दिन? 28 दिन। हाँ, 60 में से कितने हो गए 29 हो गया, कितने बच गए 31 यार, है ना। फिर मार्च आएगा ना, अरे बराबर की नहीं, ये था जनवरी, फरवरी, अब मार्च, मार्च के कितने दिन पूरे 31 ना, तो 31 मार्च आया नॉमिनल ड्यू डेट, कितने दिन ऐड करेंगे 3 days ऑफ ग्रेस, तो 31 मार्च के बाद 3 3rd अप्रैल ना, 1 2 3 आंसर क्या आएगा 3rd अप्रैल 2019। सही है यार, थोड़ा ओरली ट्राई करेंगे। हाँ ये 4, चलो बताइए ये वाला 3 months ना आफ्टर साइट, बोलो किधर से गिने ये वाला एक्सेप्टेंस 21 अगस्त से 3 महीना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 21 नवंबर प्लस 3, 21 के बाद 3, 24, 24 नवंबर 2019। आगे 1 month आफ्टर डेट, इधर से 23 दिसंबर के बाद 23 जनवरी 2020, ध्यान से हाँ, 23 जनवरी प्लस 3, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे, एक दिन पहले 25 जनवरी 2020। आफ्टर डेट इधर से 1 महीना ना, 28 जनवरी के बाद 28 फरवरी, 3 दिन, 1 मिनट, 2020 है फरवरी आया ना दिमाग में, वैसे ही फट करके क्या पेटना चाहिए लीप ईयर है, लीप ईयर 4 से डिविजिबल है भाई 2020, अरे हाँ ना 505, 4 5 20 0 4 5 20 डिविजिबल है ना, तो लीप ईयर है, 29 दिन है, 29 days है फरवरी में, स्टार बराबर की नहीं। बताइए फिर 28 फरवरी से 1 महीना ना आफ्टर डेट ना, तो 28 जनवरी के बाद 28 फरवरी प्लस 3 days, 29 1 2 मार्च, 2 मार्च 2020। स्टार क्यों मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, ताकि जब आप करेंगे आप दिमाग खराब करना हो टाइम पे, क्यों स्टार लिखा है यार, गेटिंग। आगे 30 जून ना, तो 45 डेज, तो जून का कुछ बचा है, जून पूरा खत्म, जुलाई के कितने दिन 31 डेज, काई के जुलाई के बराबर प्लस 45 डेज के लिए और कितने दिन बचे 14 दिन ना, 14 डेज रिमेनिंग है ना सिर्फ, ये किसके होंगे तो 14 अगस्त प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो 14 अगस्त प्लस 3, 17 अगस्त 2019 खत्म। अरे डन, इधर भी 1 मिनट लिख देता हूं, ये क्या था जनवरी ना प्लस और ये अप्रैल के 3 दिन थे बराबर, डन। चलो ये टेबल अगेन, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, टेन्योर मतलब समय, टोटल टाइम पीरियड, टाइप आफ्टर डेट आफ्टर सेट, पहले ये देखने का फिर काउंटिंग शुरू बराबर ना, नॉमिनल डेट भी चाहिए लीगल भी चाहिए। चलो फिर आफ्टर डेट किधर से गिनूं, ड्राइंग से कितना 45 days, 3rd जनवरी से 45 days, बताओ जनवरी का कितना टाइम बाकी है 28 days, अरे हाँ कि नहीं, ये किसके जनवरी के ना, जनवरी के प्लस टोटल 45 डेज चाहिए ना, 28 के बाद कितने बच गए 17 डेज काय के होंगे फरवरी के, प्लस 3 ग्रेस डेज ना, तो 17 फरवरी प्लस 3, 20 फरवरी, तो नॉमिनल डेट क्या है 17 Feb 2020 एंड 20th Feb ऑफ अगेन 2020। फेब आया तो क्या ध्यान रखना है भाई, हाँ बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, लास्ट तक पहुंचे नहीं। फिर आगे आफ्टर साइट इधर से 4 महीना, अप्रैल के बाद 4 महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 12 अगस्त नॉमिनल डेट ना, 12 अगस्त 2019 प्लस 3 days, 13 14 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, एक दिन पहले 14th। चलो फिर आफ्टर डेट इधर से ना 2 months वी नीड टू काउंट डाउन, नवंबर कम ऑन, दिसंबर जनवरी, 23 जनवरी 2020, 23rd जनवरी 2020 प्लस 3 दिन, 26 जनवरी एक दिन पहला, तो 25th जनवरी 2020। नेक्स्ट आफ्टर साइट इधर से 4 महीना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 20 दिसंबर 20th दिसंबर 2019 प्लस 3 days, 23rd December 2000 आफ्टर डेट इधर से ना डेज में है फिर से। हाँ, दिसंबर के कितने दिन बचे? 8 दिन दिसंबर के, प्लस 31 days जनवरी के, प्लस फरवरी 2019 है, लीप ईयर नहीं है तो 28 days होंगे ना, पर पूरा लेने का जरूरत नहीं शायद। देखो 8 और प्लस 31 कितना होता है? 39 ना। 60 के लिए कितने बच गए? 39 में से 21, तो 21 days of February will give you nominal due date ना, तो 21st Feb 2019 प्लस 3 days of grace, 24th Feb 2019। Are you getting? क्या yes, ऑनलाइन पब्लिक क्लियर? इतना टाइप करो क्लियर इन द चैट बॉक्स। डन, चलिए फिर शुरू करेंगे। चलिए देख लेते पहला क्या बोला। गणेश ड्रॉज अ बिल फॉर 40,260 ऑन 15th January 2020 फॉर 50 days, 50 दिन। ही डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ इंडिया एट 15% पर एनम ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे मतलब इस डे, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उसी दिन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कैलकुलेट करते टाइम क्या करेंगे? पहली बात तो 40,260 है, उसके ऊपर कितना परसेंट? तो इंटू 15 अपॉन 100 इंटू कितना टाइम, कितना महीना होता है? मान लो 4 महीना होता तो पक्का, अगर 4 महीने का बिल है और 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया है तो कितना मंथ लेने का? जितना हो गया एक वर्ड लिखते थे फॉर्मूला में। हाँ, क्या? रिमेनिंग मंथ्स ऑलवेज ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी रिमेनिंग मंथ्स। अरे हाँ या ना, यहाँ पे मंथ है कि डेज है? तो डे लेंगे ना, डेज लेंगे, नंबर ऑफ डेज, सिंपल है। कभी बिल ड्रॉ किया 15 जनवरी को, कभी डिस्काउंट किया आज 15 जनवरी को, कितना टाइम बचा है? 50 दिन बचा है, तो 50 डेज। अरे हाँ या ना, 50 अपॉन नॉर्मली 365 डेज होते हैं ना, इसमें 365 नहीं आएंगे। क्यों 366? लीप ईयर है, 2020 है, 4 से डिविजिबल है, मतलब फरवरी में 28 डेज नहीं 29 डेज होंगे, तो 1 दिन बढ़ जाएगा। तो कैसे होगा कैलकुलेशन? 40,260 पे 15% 15/100 into 50/366 days। Are you getting? Done? पक्का? करते स्टार्ट। क्या बोला रे? We need to calculate the amount of discount। तो how do you calculate the amount of discount? बताओ। Discount is equal to, जल्दी बताइए। हाँ, अमाउंट या तो बिल अमाउंट कुछ भी लिख सकते हैं ना, इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन इंटू रिमेनिंग, इधर डेज लिखेंगे ना, रिमेनिंग मंथ्स लिखते हैं पर इधर रिमेनिंग डेज अपॉन 366। टोटल डेज भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे 366 क्यों? ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2020 ऐसा लिखेंगे ना, इज दी लीप ईयर हैविंग 366 days। खत्म। अरे गेटिंग क्या? ये अपना शान पड़ा। डन, चलते आगे। चलो नाउ डिस्काउंट इज इक्वल टू हाउ मच? चलो बताओ अमाउंट ऑफ द बिल क्या है? अमाउंट 40,260 इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट कितनी है रे? 15% 15/100 15 upon इंटू कितना दिन बच गया? आज ही बिल ड्रॉ किया, आज ही डिस्काउंट कर लिया तो और 50 दिन रह गए, मतलब 50 डेज पहले पैसा मिल रहा है तो 50 दिन का डिस्काउंट कटेगा ना। जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना डिस्काउंट कटेगा, सिंपल। इंटू 50 अपॉन, ये तो 3। अरे चलो भाई करते कैलकुलेशन। अरे ये तो देखो इधर 51 जा सीधा नंबर बड़ा कट जाता है ना, काट दो ना खत्म करके, झंझट ही नहीं। ये देखो 362 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 ना, और 2 3 जा 6, और फिर इसको भी डिवाइड कर दो 2 से। अरे पहले छोटे नंबर ले लेते हैं ना यार, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0 बराबर। चलो इतना करो। अरे क्या क्या समझाना? 51 जा 50, 2 जा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 1 जा 2, 1 कैरी 3 ना, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है तो सिंपल है, 2 दूने 4 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0, 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, यस 3 से जाएगा ना। देखो ना 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, बट ये 3 से जाएगा कि नहीं डाउटफुल है, चेक करते। 3 6 are 18, 19, 20, 2 carry, 2 1, 21, 3, 7 are 21, 3, 1 are 3, 3, 0 are 0, चला कह रहे हो, बहुत बड़ी, अभी लोचा है पर, 6710 है ना, और ये 61 ना, 82 से जाता क्या, 61, छोड़ो ना, डायरेक्ट 61 से देखते नहीं जाता क्या, जाते रफ वर्क में, क्या डिवाइड करेंगे, 6710 डिवाइडेड बाय 61 ना, चलो भाई, कैसे, क्या डिवाइड करना है, क्या अमाउंट था, 6710 बराबर 6710 61 ना, अरे ऐसे ही करते थे ना अपन बचपन में, तो 61 1 जा 61 माइनस करेंगे ना, ये तो 0 71 फिर एक नंबर लेंगे बस, आया 61 फिर 61 0 फिर ये 0 61 0 जा 0 खत्म एंड। तो क्या आया डिवीजन 110, तो देखो हाँ भाई इधर 61 1 जा 61 110 ना 110 आर यू गेटिंग, आगे भी और लिख देंगे सिंप्लीफिकेशन, इतना हुआ ना, क्या मिलता देखो 110 इंटू 15 अपॉन 2, ये सब हो गया ना 1 हो गया ना खत्म गेटिंग। अब 2 5 जा 10 1 कैरी 1 0 10 2 5 जा 10 55 डबल ना यार, तो सिंपल है 55 इंटू 15 करना है बस खत्म आ जाएगा आंसर। चलो 15 5 जा 75 7 कैरी 15 5 जा 75 75 एंड 7 82। चलो कर दिया कंप्लीट। इसका वैल्यूज चाहिए मेरे को, पेंसिल से कर लो ना बुक में, ऑनलाइन पब्लिक मेरे को आंसर चाहिए चैट बॉक्स पे 1 2 3 ये स्मॉल रोमन लेटर्स 1 2 3 लिख देना फटाफट। कर लिया क्या आया बोलो भाई, पहला वैल्यू यस पब्लिक लिख रही है, पहला 900 फिर 600 फिर बहुत बढ़िया करते बस। चलो तो देखो ना क्या बोला, एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते। शेफाली ट्रेडर्स ड्यू अ बिल ऑन माया फॉर 30,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019 पेबल आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने का बिल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन दी फॉलोइंग केसेस, अगर डिस्काउंट किया है ऑन दी सेम डे, आज बिल ड्रॉ किया आज ही डिस्काउंट किया, कितना महीना बच गया 3 महीना। अरे 1 अक्टूबर को ड्रॉ किया ना, पेबल आफ्टर 3 मंथ, बताओ ड्यू डेट क्या, मतलब 3 महीना बताओ ना, ड्यू डेट क्या है 1 अक्टूबर ना, आगे 1 नवंबर 1 दिसंबर 1 जनवरी, 1 जनवरी ना 1 जनवरी है ना, प्लस उससे क्या मतलब फर्क पड़ता है, 3 दिन ग्रेस तो लेते नहीं बट लेंगे ना ठीक है ना, 3 दिन ग्रेस तो क्या आएगा 4 जनवरी, ड्यू डेट तो 4 जनवरी आएगा बराबर। डिस्काउंटिंग के लिए हम लोग वो 3 दिन का ग्रेस लेते क्या, अब तो महीना ही ले रहे, फर्क क्या पड़ रहा है, अपने तो जनवरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आज डिस्काउंट किया मतलब 1 अक्टूबर को, कितना टाइम बच गया, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना हाँ या ना। 1 नवंबर को किया तो दिसंबर जनवरी 2 महीना, दिसंबर को किया तो जनवरी 1 खत्म डन। करते स्टार्ट चलिए। सो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अगेन क्या करेंगे डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, बट अपन ने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, क्यों टाइम पास करना है। चलो पहला 30,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 3 मंथ्स, तो 3 अपॉन 12 अरे बराबर, तो पहले केस में 3 मंथ्स है डिस्काउंट, डिस्काउंट टू 30,000 12% 3 मंथ्स पूरे 0 0 कट 0 0 कट, ये 12 12 कट 300 इंटू 3 900 तारीख आ गए झंझट ही नहीं। फर्स्ट केस में डिस्काउंट इज 900, नंबर 2 डिस्काउंट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू, दूसरे केस में बिल डिस्काउंट किया 1 नवंबर को, तो समय बच गया दिसंबर जनवरी 2 महीना, तो 2 मंथ्स बराबर, और अपन ने देख लिया था नेक्स्ट के लिए कितना था 1 मंथ, बार बार क्यों कैलकुलेट करना है। तो चलो भाई 2 महीना और फिर 1 महीना, और कुछ अलग है ही नहीं इसमें 2 मंथ्स। अरे ओरली भी हो सकता है, 3 महीने के लिए 900, तो 1 महीने के लिए 300, 2 महीने के लिए 600, 3 महीना 900, 4 महीना 1200, 1500, बट वैसा नहीं कर सकते, तुमको कैलकुलेशन बताना है। हाँ कोई बोला शानपणा अति वाला नको, 300 इंटू 2 600 डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12 300 रुपये। डन 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 डन। चलते आगे। थर्ड, Veena who had accepted Sudha's bill for 28,000 was declared bankrupt। Veena जिसने एक्सेप्ट किया था बिल वो डिक्लेयर हो गई bankrupt, तो बराबर है ना। एंड ओनली 35 पैसे इन अ रुपी could be recovered। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। 35 पैसे इन अ रुपी मतलब 35% मिला, जो बच गया वो बैड डेट्स। तो 35% मिला तो कितना नहीं मिला, 65%। तो क्या लिख देंगे, टोटल अमाउंट रिसीवेबल कितना, लेस received और recovered कितना, 35% could be recovered ना, तो remaining bad debts। डन। चलो तो आंसर 3। टोटल अमाउंट रिसीवेबल यू कैन से, और ड्यू इज हाउ मच, लेस recovered how much, 35%। अरे बराबर, भाई रफ में 28,000 इंटू 35/100, 35%। और इजी तरीका क्या है, 10 टक्का और तुमको मल्टीप्लीकेशन इजी लगता है वो करो, मेरे लिए तो ये बेस्ट है। 2,800 और फिर 1,400, 8 24, 28, 2, 2, 4, 6, 8, 9, 9,800 आता है। 9,800 इज दी अमाउंट जो हमको मिला, रिकवर हुआ। 9,800 माइनस कर देंगे तो 2, 10, 1, 10, 8, 18, 1, 18,200 नहीं मिला, मिलेगा भी क्योंकि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। देयरफॉर अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इज इक्वल टू रुपीस। पूरा कैलकुलेशन का फ्लो बता दिया तो स्टेटमेंट्स लिखने का जरूरत नहीं है। आगे चले। नितिन renewed his acceptance for 72,000 by paying 22,000 in cash and accepting a new bill for the balance। बोलो ना बैलेंस कितना, 50,000। बहुत बढ़िया। कैसे आया, 50,000 रुपया। 72,000 में से 22 पे कर दिया तो बच गया 50,000। उतने का बनेगा नया बिल विद इंटरेस्ट। करना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। अरे बताओ न्यू बिल मतलब क्या, कैसा आएगा अमाउंट ऑफ न्यू बिल, 50,000 प्लस खत्म करते हैं। फिर टोटल अमाउंट ड्यू कितना था, टोटल अमाउंट ड्यू हुआ 70,000 लेस पेड इन कैश कितना, फिर बैलेंस अमाउंट ड्यू 50,000 पक्का। चलो टोटल अमाउंट ड्यू इज इक्वल टू 72,000 लेस पेड, पार्ट पेमेंट ना, मतलब पेड इन कैश 22,000। देयरफॉर बैलेंस अमाउंट इज इक्वल टू 50,000। अरे बराबर। फिर क्या करेंगे, सीधा इसमें क्या, ऐड इंटरेस्ट। अरे ऐसे ही ना। चलो बताओ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कितने पे आएगा इंटरेस्ट, 50, जो बच गया उतने पे। हाँ या ना, सही है ना। तो 50,000 पे कितना परसेंट, 18%, 18/, क्यों इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जल्दी पैसा भरा सामने वाले ने कि लेट भर रहा है। अरे 50,000 ये पूरा आज मिलना चाहिए था, बट आज उसने सिर्फ 22 भरा, 50,000 वो भरने वाला है 4 महीने के बाद, तो ब्याज भी 4 महीने पे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे हम। 4/12 करेक्ट। 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 6 जा 0 0 0 0 0 5 6 5 6 गुणिले 6 3,000 रुपया लिख देते। सो विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज 3,000। तो इधर लिखता है एकदम लास्ट में, देखो इधर, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस है ना। 50 अमाउंट ऑफ खत्म। देयरफॉर अमाउंट ऑफ इज इक्वल टू रुपीज 53,000। ऐसा करो तो क्या है पता है, स्टेटमेंट्स लिखना नहीं पड़ता है, मैं तो आपको लिखना पड़ेगा यार। डन 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 डन। चलिए फिर आगे, निशाज एक्सेप्टेंस फॉर 16,850 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वेयर 125। फाइंड आउट द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय ड्रॉवर। बोलो भाई, लेस करेंगे और क्या। अपन ने बिल भेजा टू बैंक फॉर कलेक्शन, इतने का बिल भेजा, बैंक चार्जेस लगा 125, तो पूरा पैसा मिलेगा कि कटेगा? अरे बैंक चार्जेस लेगा ना तो कट के मिलेगा। कितना मिलेगा? 16,850 माइनस 125, जो बचा हो मिल जाएगा, खत्म। डन। चलो फिर, मतलब अमाउंट ऑफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 16,850 लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड और चार्ज बाय बैंक 125, देयरफॉर नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्रॉवर। खत्म। और क्या, बता दिया, हो गया स्टेटमेंट। ऐसे ये और क्या है, अमाउंट ऑफ बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने जो बिल भेजा बैंक फॉर कलेक्शन को, उसका अमाउंट कितना था? 16,850, 16,850। ये बिल कलेक्ट करके लाया और बैंक ने इसके ऊपर चार्जेस चार्ज किया, तो लेस बैंक चार्जेस 125, तो बच गया कितना? 16,725। दिस इज द नेट अमाउंट received by drawer। सिर्फ ड्रॉवर ही भेज सकता है क्या बिल बैंक फॉर कलेक्शन पे? कौन भेज सकता है? होल्डर। मतलब कौन भेज पाएगा बोलो? एंडोर्सी। क्या बात है यार, फैंटास्टिक। चलो डन, ठीक है आगे चलते हैं। देखो, a bill of 16,000 was drawn by Keshav on Gopal on 12th June 2019 for 2 months. What will be the due date if all of sudden legal due date is declared as emergency holiday? कितना डैश क्वेश्चन है देखना, अगेन गूगली क्वेश्चन। बोला ना मैंने, क्यों डैश बोल रहा हूँ देखना ध्यान से। कभी ड्रॉ किया बिल? 2 महीनों के लिए ना। चलो 2 महीना आगे जाओ, जून के बाद। आफ्टर साइड कुछ नहीं है ना। हाँ, जुलाई अगस्त, 12 अगस्त प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 15 अगस्त। क्या ड्यू डेट होना चाहिए? 14 अगस्त ना। हाँ या ना? क्या बोला क्वेश्चन ने? इफ द ड्यू डेट इज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, तो 16 पर 15 अगस्त कैसे इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे? ये तो वैसे ही पब्लिक हॉलीडे। समझ में आ रहा है क्या? एक बात तो समझा ना, 15 अगस्त तो वैसे ही क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे। इमरजेंसी भी हुआ तो क्या फर्क पड़ रहा है, पब्लिक हॉलीडे तो है ही, तो एक दिन पहले भर देने का ना। पर हो सकता है 15 अगस्त के दिन, मान लो 15 अगस्त 2022 को अगर वर्ल्ड वॉर या इंडिया पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो दैट 15 अगस्त विल बी डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे। अब फर्क क्या, पब्लिक हॉलीडे वर्सेस इमरजेंसी हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे मतलब काम की छुट्टी, बराबर। इमरजेंसी हॉलीडे म्हणजे चुपचाप अंदर बैठो, शूट एट साइट होता है। हाँ, बट ऐसा और भी होगा तो कुछ भरोसा ही नहीं, फिर क्या ही होएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ऐसे टाइम पे ना लोग लीगल बेनिफिट लेते हैं। मतलब अगर किसी का बिल ड्यू था 15 अगस्त को, तो उसने पे कर देना चाहिए था 14 को, उसने 14 को पे नहीं किया, ड्रॉवर क्या करेगा? नोटिंग करेगा, डिसऑनर करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और 15 कभी करेगा ये सब चीज? 16 तारीख को ना, क्योंकि 15 को तो वैसे ही 15 अगस्त का बंद रहेगा, बराबर। अब 15 को अगर इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, 16 तारीख को जा पाएगा नोटिंग कराने? नहीं। क्यों? उसको 16 को भी रुकना क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। अगर वो गया नोटिंग कराने, नोटरी पब्लिक क्या बोलेगा? ओ एडे, कल इमरजेंसी हॉलीडे भी था, चुपचाप जाने तो तेरे पे फाइन लगेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? गेटिंग? तो ऐसे टाइम पे फिर कॉल क्या, पब्लिक हॉलीडे की इमरजेंसी? ऑब्वियसली इमरजेंसी विंस, इमरजेंसी ही है वो। इमरजेंसी पब्लिक भले ही था, बट अभी इमरजेंसी हॉलीडे है, तो पैसा अगला दिन। किसके लिए फायदा है? बात एक दिन का है, बट भाई ये सोचो, ये तो 1000-2000 के बिल अपन देखते हैं, 40,000, 50,000, 40 लाख के बिल, 40 करोड़ के बिल, 500 करोड़ के बिल। अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ, क्या ही होएगा फिर। एक दिन का इंटरेस्ट भी करोड़ों में आएगा, अपन तो ऐसा जीरो में ही अपना 3 घंटे चल जाएंगे। फैक्ट है, मजाक नहीं करो। ये दिस व्हाट हैपेंस करके ही तो लॉ है फिर डिफाइन किया हुआ। चलो भाई ठीक है, चलिए करते कैलकुलेट। तो एक्चुअली तो ड्यू डेट कभी आ रहा है 15 अगस्त को, जो पब्लिक हॉलीडे होता है। पेमेंट होना चाहिए 14 अगस्त को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा इमेजिन कर लो, व्हाट विल बी ड्यू डेट इफ ऑल ऑफ सडन द लीगल ड्यू डेट, जो हमको कितना आ रहा है 15 अगस्त, इफ दैट इज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, व्हाट विल वी डू? नेक्स्ट डे। यू हैव टू पास दैट बेनिफिट, ऑप्शन नहीं है। डन, करते चलिए बिल वॉज ड्रॉन ऑन, सो डेट ऑफ बिल प्रेजेंटेशन करना है ना, कैसे प्रेजेंट करना, डेट ऑफ बिल 12 जून, एड 2 मंथ्स कितना आएगा 12 अगस्त, एड 3 डेज ऑफ ग्रेस कितना आएगा 15 अगस्त, ड्यू डेट 15 अगस्त बराबर, पर दिस डे इज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, सो द पेमेंट ऑफ द बिल विल बी मेड ऑन 16 अगस्त। खत्म, डन। चलो डेट ऑफ बिल इज इक्वल टू एड 2 मंथ्स ना, हाँ, August 12, 2019, एड ग्रेस डेज ना कितना 3 डेज, दिस विल गिव यू 15 अगस्त 2019। तो ये एक्चुअली लीगल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट 15 अगस्त, बट इफ दिस लीगल ड्यू डेट इज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, पेमेंट ऑफ द बिल विल बी डन ऑन द नेक्स्ट डे। अरे हाँ, है ना, पहले रहेगा तो प्रीसीडिंग डे और प्रीवियस डे चलेगा, अभी आपको लीगल टर्म्स उतना लिखने का जरूरत नहीं। बट इफ this legal due date is declared as emergency holiday, then the payment of the bill will be done on next day. So therefore due date will be 16th August 2019। डन गेटिंग। चलिए फिर इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऑब्जेक्टिव्स। बाय।